अयोध्या में सिर्फ प्रभु श्री राम नहीं आ रहे हैं, बल्कि मेरे बगल में आप देख सकते हैं कृष्ण के रूप में दूर दूर से उनके चाहने वाले भक्त, उन पर आस्था रखने वाले, उन पर विश्वास रखने वाले लोग भी आ रहे हैं। आप इस मोहिनी मूरत को देख सकते हैं, हाथों में बांसुरी है, श्रृंगार आप देखिए, पैरों में पायल है। किस रूप से ये चांदी के ऐसे जैसे चांदी के आभूषणों से आप समझिए कि कितना तैयार होने में वक्त लगता होगा, कितनी मोहिनी मूरत बनी हुई है, मुकुट से लेकर के आप मोर पंख से देखिए। आधुनिक युग के भी अगर कहूँ तो उसमें आधुनिकता इनकी आंखों में, इनकी नैनों के ऊपर जो चश्मा लगा हुआ है वो आप देख सकते हैं। एक एक श्रृंगार को देखिए हाथों में, और मछली वाले कच्छप मछलियां भी हैं, कछुआ भी है, सारी चीजें एक एक बहुत करीने से बनाई गई। अपनी वेशभूषा को देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे वाकई में किसी फिल्म के कृष्ण भगवान हो, जिनका जो घंटों तक एक मेकअप किया गया हो। और देखिए ये पूरी मालाएं और इनके आभूषण, पूरी इनकी चुनरी से लेकर के जूतों, इनकी जो जूतियां हैं उनको भी देखिए किस रूप से। सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र इस वक्त लता मंगेशकर चौक में यही है। कौन है ये, कहां से आए हैं और कितनी भक्तिमय भाव यहां पर इन्होंने महसूस किया है, सब कुछ एक एक जानेंगे। आप पहले, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कहां से आए हैं आप? अद्भुत स्वामी श्री कृष्ण नाम हमारा है, महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश से आए हैं। अद्भुत अद्भुत स्वामी श्री, अद्भुत स्वामी श्री कृष्ण, आप देखिए वाकई में अद्भुत हैं। बांसुरी देखिए, बांसुरी बजती है? ये बांसुरी बजती है लेकिन बजाता नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, ये आपने बड़ा श्रृंगार बहुत किया है, कब से ये आपने ये रूप रखा, कब से ये वेशभूषा में आप हैं? बचपन से मैं भक्ति और तपस्या करता था, साधु बनना चाह रहा था, साधु बनाया नहीं किसी ने, तो फिर भगवान महाकालेश्वर ने मेरे को ऐसा रूप दिखाया कि मैं ऐसा बन के रहूं और भगवान कृष्ण की भक्ति करूं और प्रचार करूं, जिससे मैं हमेशा ऐसा ही रहता हूं 16 सालों से दिन रात। आप समझिए कि जैसे महाकालेश्वर का प्रतिदिन श्रृंगार होता है अलग अलग भाव से, अलग अलग रूपों से, आप समझिए कि इस वेशभूषा को किसी साधारण व्यक्ति को धारण करने में कितना वक्त लगता होगा, कितना वक्त लगता है? क्या ये चांदी के हैं? 6-7 घंटे लगते हैं मुझे तैयार होने में, और हमेशा ऐसा ही तैयार रहता हूँ। और ये सब अंगूठी की क्या करें, अंगूठी ये क्या चांदी की? ये सब चांदी का है। अच्छा, परिवार वालों जब देखते होंगे आपको इस रूप में, परिवार में क्या है, कैसा? मैं हमेशा अकेला रहता हूँ, परिवार से ज्यादा कांटेक्ट नहीं करता। अच्छा, आप ये एकदम से योगी, मतलब आपने ये रूप धर लिया है तो उसके बाद अब निकल? मैं भगवान कृष्ण का हूँ, और आपको पता है कि सारी आत्माएं कृष्ण की हैं और अंदर भी भगवान ही बैठे रहते हैं, पता? ये बड़ी बात की श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जितनी भी ये आत्माएं घूम रही हैं, भगवान कृष्ण ने कहा है वो सब मैं हूँ और मेरे अंदर ये सारी है। वही बात इन्होंने भी दोहराई। आप ये बताइए, यहाँ आए हैं श्री कृष्ण का रूप रखे हुए, ये पूरे नगीने गिने ये स्वयं आप करते हैं या कोई करता है, आपका सहयोगी भी है? मैं क्या है कि अगर आप पृथ्वी का एक रूल्स बनाया भगवान ने कि कुत्ता बिलैया चूहा पालेंगे तो भी आप बिना टेंशन के नहीं रह सकते, तो फिर किसी आदमी और बच्चे को रखोगे तो टेंशन होगा ही होगा, इसलिए दुनिया से टेंशन से दूर रहने के लिए अकेला रहना पड़ती है। अच्छा, नहीं ये जो आप श्रृंगार करते हैं इसमें कोई आपकी मदद करता है या स्वयं आप जो धारण करते हैं? श्रृंगार में कोई मदद नहीं करता, मैं ही पूरी मदद लेके अपने आप को काम तैयार करता हूँ। अच्छा, आप बता रहे थे कि पूरे भारत में आप अलग अलग जगह में जाते हैं और आपने दांत भी चांदी के लगवा रखे? जी, मैं अब चांदी तो मेरे पास बहुत रखी है और कुछ भी बनवाना है मेरे को बहुत चीजें। अच्छा, और मुझे चांदी सस्ती लगती है, पता नहीं सबको महंगी क्यों लग रही है, तो मैं तो आभूषण बनवाता रहता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, ये घूमने फिरने के लिए, ये सारी चीजों के लिए, तो ये लोग सहयोग करते हैं या कुछ आपका आय का कुछ जरिया भी है? क्या है कि मैं तीन काम नहीं करता, एक बांसी नहीं बजाता, एक चश्मा नहीं उतारता, एक रुपया नहीं लेता किसी से। और आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसकी संपत्ति उसकी हो जाती है, तो मैं तो भगवान को प्रेम करता हूँ तो भगवान की सारी संपत्ति मेरी ही है। तो आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है? नहीं, मैं, मेरे पास खजाना है और सबसे बड़ा धनवान मैं ही हूँ ऐसा लगता है। अच्छा जी जी, और जो भक्तों का प्यार मिल रहा है यहाँ अयोध्या नगरी में आने के बाद, वो अयोध्या में फिर से एक बार श्री राम मंदिर में आ रहे हैं, क्या अनुभूति है अंदर की आपको? महाकालेश्वर धाम से आए हुए हैं, क्या अनुभूति है, आप जरा तो विस्तार से बताइए। अनुभूति ये है कि पहली बात तो क्या है कि यहाँ स्वर्ग जैसा लग रहा है और ये सारे देवी देवता से लग रहे हैं मेरे को, तो क्योंकि मैं बना फिर रहा हूँ तो मुझे तो देवी देवता ही दिखते हैं।
और आपको पता है कि परमात्मा परमात्मा कौन है? परमात्मा राम है, परमात्मा कृष्ण है। परमात्मा को पृथ्वी अच्छी लगी तो भगवान राम का रूप रख के आए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने कहा जनता को आनंद नहीं आया तो भगवान कृष्ण के रूप में आनंद देने के लिए आया आए और उन्होंने परिवार बसाने का तरीका बताया, वैकुंठ धाम जाने का तरीका बताया, सारे बताए। और फिर भगवान जो है अब जैसे ही सिंहासन पर बैठेंगे, और हाँ अभी अभी आपको ताज्जुब होगा कि पृथ्वी पर बहुत चमत्कार हो रहे हैं। भगवान के सिंहासन पर बैठने से पहले पहले शंकर भगवान प्रकट हुए तो एक लोटा जल से और एक पत्ता चढ़ाने से पूरी बीमारियां ठीक हो रही हैं। और फिर हनुमान जी प्रकट हुए तो हनुमान जी के दर्शन करने से पृथ्वी के सारे काम हो गए। और अब जैसे ही रामचंद्र जी बैठेंगे सब अपने आप काम हो जाएंगे। अच्छा, ये सारे काम और सारा जो अभी क्या है कि जैसे ही भगवान बैठेंगे युग परिवर्तन होगा। और युग परिवर्तन कौन होगा? ये भगवान की माया करेगी और माया जैसा चलाती वैसे आत्मा चलती। आपने कुछ और आगे सोच रखा है? आगे यहाँ के बाद आपका क्या विचरण है, आगे क्या क्या करते हैं आप? अब मैं तो बनारस जाने वाला हूँ। अभी मैं नए साल में 6-7 दिन मारा वृंदावन में, और अब जो है मैं बनारस जाने वाला हूँ भगवान की स्थापना के बाद, दर्शन करने के बाद। अच्छा, कोई ऐसा भजन हमको सुनाइए, अपने हमारे दर्शकों को सुनाइए। ये जो आपके भक्त हैं या इनको जो आप ईश्वर कह रहे हैं, इनकी सेवा में एक जो भजन अगर आप सुनाए तो बड़ा अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा। वो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम। वो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस को मार पचाड़े, एक दुष्ट रावण संगारे, चाहे सीता राम कहो या चाहे राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो रामचंद्र भगवान की। तो आपने देखा ये पूरी वेशभूषा और ये आकर्षण और ये सारी चीजें बांसुरी से लेकर के हर व्यक्ति जो है फोटो खींचना चाहता है, और हर व्यक्ति इनसे बातचीत करना चाहता है, हर व्यक्ति सारी बातें कहना चाह रहा है। फिलहाल अब आपने देखा किस तरह के रंग हैं अयोध्या के, उन्हीं में से आगे किस तरह के रंग और सामने आएंगे, वो हर एक बात और हर एक खबर आप तक हम यानी वन इंडिया से कैमरा पर्सन फुरकान के साथ मैं कुलदीप द्विवेदी हर पल की एक खबर देंगे। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।